आज मैं फिर से आ गया हूँ अनअकैडमी वाले ऑफलाइन सेंटर पे, पटना वाले सेंटर पे। हाय सुकेश, आज से एक्सपोज करने आए हैं। अरे मैम, कुछ एक्सपोज करने नहीं आया, मैं तो बच्चे के लिए इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आज मैम मैं जानने वाला हूँ कि अपकमिंग बैच कब से आ रहा, और सबसे पहली बात जो आप इतना जल्दी एडमिशन क्यों ले रहे हो, इसका क्या फायदा है मैम? जल्दी स्टार्ट होगी उतनी जल्दी उनके सिलेबस ओवर हो जाएंगे। बिल्कुल, और उनके पास काफी ज्यादा टाइम बचेगा कि वो अपने सिलेबस को रिवाइज कर पाए। हमने हाल में ही एक अनसेट एग्जाम स्टार्ट किया था और उसका रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। अच्छा, तो बच्चों को यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स काफी अच्छे मिलेंगे। बच्चे शायद अनसेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्हें जो भी बच्चे 11th या 12th में एडमिशन अभी सोच रहे हैं अपने लिए, तो डेफिनेटली उन्हें 30th नवंबर से पहले ही आना होगा और अपना एडमिशन कराना। आप आते हैं, हमारा रेफरेंस यूज करते हैं कि मैं सुकेश एकेडमी यूट्यूब चैनल देख के आया, तो आपको कुछ स्पेशल यहाँ पे ऑफर मिल सकता है, तो आप जरूर आए, तो एक बार जरूर यहाँ पे बताएं कि हम सुकेश एकेडमी का वीडियो देख के आए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को देता रहता हूँ अनअकैडमी से रिलेटेड। आज मैं फिर से आ गया हूँ अनअकैडमी वाले ऑफलाइन सेंटर पे, पटना वाले सेंटर पे। आज भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन में आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि अपकमिंग बैच कब से आने वाला है। और अभी पता चला है जैसे कि यहाँ पर एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है नेक्स्ट सेशन के लिए। तो अभी हमारे साथ नीतिका मैम है, नीतिका मैम बताएगी कि अपकमिंग बैच कब से आने वाला है और क्या आप लोग के लिए ऑफर है। अरे मैम, कुछ एक्सपोज करने नहीं आया, मैं तो बच्चे के लिए इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ जिससे उनका हेल्प हो सके, क्योंकि वो आपको पता है मैम बिहार के कोने कोने से देख रहे हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं मैं किस कोचिंग में एडमिशन लूँ, तो मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। कोई बात नहीं सुकेश, बताइए। आज मैम मैं जानने वाला हूँ कि अपकमिंग बैच कब से आ रहा, और सबसे पहली बात जो आप इतना जल्दी एडमिशन क्यों ले रहे हो, इसका क्या फ़ायदा है मैम? देखिए, अर्ली एडमिशन लेने का फ़ायदा ये है, बिकॉज अभी बोर्ड एग्जाम्स बच्चों के ओवर होंगे, जैसे ही उन लोगों के पास एक राइट टाइम होगा, सिलेबस जितनी जल्दी स्टार्ट होगी उतनी जल्दी उनके सिलेबस ओवर हो जाएंगे। बिल्कुल, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा कि वो अपने सिलेबस को रिवाइज कर पाए टाइमली। ठीक है, सेकेंड बेनिफिट ये है कि अभी हमने हाल में ही एक अनसेट एग्जाम स्टार्ट किया था और उसका रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। अच्छा, तो बच्चों को यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे, बिकॉज अच्छा, जिन बच्चों ने टॉप किया है अनसेट में वो डेफिनेटली फर्स्ट बैच में एनरोल करना ज़्यादा अच्छा रखेंगे। तो बच्चों को के साथ क्या होगा, जो बच्चे शायद अनसेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्हें टॉपर्स के साथ कम्पीट करने का मौका मिलेगा क्लासेस। बिल्कुल मैम, ये तो अनसेट की बात हो गई है, जो अनसेट में अच्छे रिजल्ट लाए होंगे उनको उनके साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। जो बच्चे अनसेट नहीं दिए होंगे किसी कारणवश, उन बच्चे के लिए क्या है? देखिए, जिन बच्चों ने अनसेट नहीं दिया है उनको बिल्कुल सैड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनके लिए भी काफ़ी अच्छी ऑफर है अनअकैडमी में। हमने अर्ली बर्ड ऑफर निकाला हुआ है अच्छा, जिसका वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ आपका 30th ऑफ नवंबर तक ही है। अच्छा, ठीक है, इसमें आपको फ्लैट 40% डिस्काउंट मिल रहा है जो हमारे सेंटर पे आपको मिलेगा। अच्छा, जो बच्चे अनसेट नहीं दिए उनके लिए? हाँ, जिन बच्चों ने अनसेट दिया है उन बच्चों के लिए भी जो ऑफर है, जो उनको कोड मतलब स्कॉलरशिप कोड मिला है, वो भी उनका वैलिडिटी 30th of November. अच्छा मैम, ये नवंबर की बात होगी, जो बच्चे मान के चलिए नवंबर के बाद दिसंबर में, 2 दिसंबर 3 दिसंबर, उनके लिए उनको रहेगा क्या मैम ये ऑफर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनको कोई ऑफर नहीं मिलेगा, बिकॉज ये ऑफर का एंड डेट ही हमारा 30th of November है। तो जो भी बच्चे 11th या 12th में एडमिशन अभी सोच रहे हैं अपने लिए, तो डेफिनेटली उन्हें 30th November से पहले ही आना होगा और अपना एडमिशन कराना होगा। अच्छा मैम, ये तो बच्चे हो गए जो अनसेट नहीं दिया, जो अनसेट दिए हैं उनके लिए भी ये अप्लीकेबल है क्या मैम, जो नवंबर से पहले ही करवाना? एग्जैक्टली, वो भी है, उनको भी 30th of November से पहले एडमिशन कराना, बिकॉज उनको जो कोड जनरेट किया गया है वो भी आपका एंड डेट भी है, जो बच्चों को ऑलरेडी जा चुका है कि 30 नवंबर तक उनका जो वैलिडेशन है वो खत्म। अच्छा अच्छा, वैलिडेशन बच्चों को बता दिया गया आपका नवंबर तक ही है। तो अच्छा मैम, ये बात तो हो गई, ये अब जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं उनका बैच कब से स्टार्ट होगा? बैच हम लोग जो मोस्टली स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एक करेक्ट टाइम होगा बच्चों को सिलेबस स्टार्ट करने का। अच्छा मैम,
अच्छा फर्स्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट एग्जैक्टली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे बिकॉज़ तुरंत उनका 10th बोर्ड एग्जाम्स ओवर होगा एंड डेफिनेटली उनको एक करेक्ट टाइम मिलेगा सिलेबस स्टार्ट करने का 11th के लिए और ये बात भी होगा मैम जल्दी स्टार्ट करेगा तो उसका सिलेबस भी जल्दी खत्म होगा एग्जैक्टली क्योंकि फर्स्ट बैच जो होता है उसमें उन्हें काफी बेनिफिट मिलते हैं जैसे मैंने आपको कॉम्पिटिटर्स बताया प्रॉपर स्टूडेंट्स प्लस बेस्ट टीचर्स फैकल्टीज उन्हें मिलेंगे बिल्कुल सही बात सो फर्स्ट बैच में एनरोल होने का मतलब भी है कि सब कुछ बेस्ट रहेगा बेस्ट अगर आपको बेस्ट देना है रिजल्ट के अकॉर्डिंगली तो डेफिनेटली आप अपना एडमिशन जल्दी स्टार्ट करेंगे ओके मैम जैसे कि मैम ने आपको बताई कि जितना जल्दी आप एडमिशन लेते हैं उतना आपका फायदा होने वाला बेनिफिट होने वाला हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट मिलेगा जैसे कि आप अर्ली स्टार्ट लेते हैं तो आपका सिलेबस भी अर्ली खत्म हो जाएगा और आपको अच्छे टीचर भी मिलेंगे और टॉपर्स के भी साथ पढ़ने के लिए मिलेंगे तो एक साथ बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाला है तो आप मिस ना करें आप जल्द से जल्द इनरोलमेंट करें हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया गया उस पर भी आप कॉल करके किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा वहां से भी आप इनरोल कर सकते हैं और कुछ आप हमारे बारे में यहां पे बताते हैं जरूर आपका कुछ ना कुछ ख्याल यहां पे रखा जाएगा तो आप आए तो बताए सुकेश एकेडमी को देख के आए जैसे कि आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा तो आप लेट ना करें अपने करियर के लिए क्योंकि आपको पता है अभी जो टाइम है सही डिसीजन लेने का और वो जो टाइम आपका रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अब जैसे मार्च अप्रैल का टाइम आता है जब जितना टाइम को आप इन्वेस्ट करते खत्म करते जाते हैं तो आपका दिन समझिए कि कम होते जाता है आपके सिलेक्शन में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा तो उस टाइम से यदि प्रॉपर आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने में बहुत आसान होगा क्योंकि सबसे बड़ी बात आप जैसे कि मैम ने बताया आपको कि अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे अच्छे आपके कंपटीटर मिल जाएंगे क्योंकि अच्छे साथी की बहुत ज़रूरत होती है हमारे सिलेक्शन में हमारे आसपास जो रहे अच्छे लोग रहते हैं तो ईजी हो जाते हैं किसी भी चीज़ में तो इसीलिए आप इस बैच में एडमिशन ज़रूर ले यदि मेरा कहना माने तो आप लोग बच्चों जैसे कि पता आपके लिए हमें हर वक्त तैयार रहते हैं चाहे किसी भी तरह की बात हो या किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज मैंने यहाँ पे बात किया सर से कि आप आते हैं हमारा रेफरेंस यूज करते हैं कि मैं सुकेश एकेडमी यूट्यूब चैनल देख के आया तो आपको कुछ स्पेशल यहाँ पे ऑफर मिल सकता है तो आप जरूर आए तो एक बार जरूर यहाँ पे बताएं कि हम सुकेश एकेडमी का वीडियो देख के आए सुकेश एकेडमी यूट्यूब चैनल से मुझे पता चला अनअकैडमी के बारे में तो आप ये बात बताना ना भूलें क्योंकि आप भी एक स्पेशल ऑफर का मौका मिस ना कर पाए किसी तरह मेरा कोशिश यही रहता है कि आपके सक्सेस में कुछ ना कुछ मेरा वैल्यू आपके लाइफ में ऐड हो सके तो इसीलिए लगातार आप लोगों के लिए हम काम करते रहते हैं तो आज सर से मैंने एक्सक्यूज किया तो सर इस बात पे राजी हो गए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोग को हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं